हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ वर्धमान करियर प्लेस एंड दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। एंड आज आप गल करांगे स्टूडेंट्स लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन यूजिस नैट दे विच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो अज आप कम्युनिकेशन के नैक्सट लैक्चर के लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की गल करांगे। तो एक इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है ये जो मैं थोड़े नाल डिस्कस कर लगे हैं। ये देखो स्टूडेंट्स अपने को लेवल्स केड़े केड़े होंगे, फिर आप वन टू वन देखेंगे उन्होंने दे की डिफरेंस होंगे। आप पहले लैवल्स लिख लें कि कम्युनिकेशन के केड़े केड़े लैवल्स होंगे। सब तो पहला अपने को कम्युनिकेशन के होंगे इंट्रापरसनल। मैं बहुत ही डिटेलिंग दूँ हर एक लैवल करवाऊँगा विद एग्जैम्पल करवाऊँगा। फाइन, सब तो पहला अपने को है इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन केड़ी होंगी है? फस्ट लैवल है इंट्रापरसनल। पहला तो आप ये देखते हैं कि जेड़े भी लैवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, उन्होंने आप क्लासीफाई किस लैवल पर करते हैं, किस बेस पर करते हैं। जिन्होंने इनकी क्लासीफिकेशन होंगी है स्टूडेंट्स लैवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, वो क्लासीफिकेशन होंगी है इनवॉल्वमेंट ऑफ परसनस। इनवॉल्वमेंट ऑफ परसनस कि किन्ने परसनस इनवॉल्व है, उस बेसिस से अपने को कम्युनिकेशन की क्लासीफिकेशन होंगी है लैवल्स की, ठीक है। तो अपने को इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन कैसी होंगी है? इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन का जो की वर्ड है स्टूडेंट्स वो है अपने को सैल्फ कन्वर्सेशन। सैल्फ कन्वर्सेशन का मतलब है सैल्फ टॉक। सैल्फ टॉक खुद नाल गल करनी, मतलब जो इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन है वो किन्ने परसन की इनवॉल्वमेंट होंगी है, वो वन परसन की इनवॉल्वमेंट होंगी है। मीनस सेंडर खुद रिसीवर होंगे तो रिसीवर खुद सेंडर होंगे, ठीक है। तो उन्होंने आप बोलते हैं सैल्फ टॉक, सैल्फ कन्वर्सेशन। तो स्टूडेंट्स इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन के एक परसन की इनवॉल्वमेंट होंगी है, ठीक है। तो इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन के सैल्फ टॉक के नाल नाल ये कुछ कीवर्ड्स नोट करो, जेडे कीवर्ड्स तुहानू इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन के अंडर याद रखने होंगे। सब तो पहला तो अपने को आ गया सैल्फ टॉक। सैल्फ टॉक मीनस सैल्फ कन्वर्सेशन। उस तो बाद मिरर टॉक भी कह दें, मिरर के अगे खड़ के आप गल करनी भी वह कि होंगी है इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन होंगी है, ठीक है। वर्बलाइजेशन, ठीक है, वर्बलाइजेशन की होंगे, कई लोगों ने तुम देखा होना कि वह खुद मुँह के कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो उन्होंने आप वर्बलाइजेशन कह दें। साइलेंट टॉक, साइलेंट टॉक, ठीक है, इनू साइलेंट टॉक भी कह देंगे, ठीक है। तो अपने को कुछ कीवर्ड्स ने स्टूडेंट्स, मिरर टॉक, सैल्फ टॉक, वर्बलाइजेशन, साइलेंट टॉक, ठीक है। तो जेड़े अपने को जिन्होंने आप कि रखते हैं इंट्रापरसनल कम्युनिकेशन रखते हैं, याद रखियो किन्ने परसन की इनवॉल्वमेंट हुई, एक परसन ये इनवॉल्वमेंट हुई। फाइन, तो नैक्सट स्टूडेंट्स आप अपने को जो नैक्सट लैवल है, आई होप यू समझ आ गया होएगा। इंट्रापरसनल तो बाद जो नैक्सट लैवल है वो है इंटरपरसनल, ठीक है। नैक्सट लैवल अपने को आ गया यदा इंटरपरसनल। नैक्सट लैवल है इंटरपरसनल, ठीक है। पहला आप कि पहला आप इंट्रापरसनल, हूँ आप कर रहे हैं इंटरपरसनल। इंटरपरसनल लैवल तो देखो स्टूडेंट की होंगे, जो इंटरपरसनल लैवल है कम्युनिकेशन का वो किन्ने परसन की इनवॉल्वमेंट हो सकती है। इंटरपरसनल दो तरह का होंगे, एक हों स्टूडेंट अपने को डायाडिक, एक हों अपने को नॉन डायाडिक, ठीक है। याद रखियो डायाडिक नॉन डायाडिक। कई स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहती है कि जो दो परसन इनवॉल्व होंगे तो वो इंटरपरसनल होंगी है, ठीक है। पर कोई जरूरी नहीं कि दो परसन के ही इंटरपरसनल होएगी, टू परसन भी हो सकते हैं, मोर दैन टू परसन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हूँ गल याद रखियो जे देर आर टू परसन, ठीक है, सिर्फ दो परसन ही है, ठीक है, तो वह कि हुई डायडिक हुई। जे दो तो ज़्यादा तो वह कि हुई नॉन डायाडिक हुई। तो अपने को स्टूडेंट्स इंटरपरसनल कम्युनिकेशन दे विच डायाडिक पार्ट हुंदा ते नॉन डायाडिक पार्ट हुंदा। डायाडिक पार्ट दे विच टू परसन की इनवॉल्वमेंट हुंदी है, जदों कि नॉन डायाडिक दे विच अपने को दो तो ज़्यादा परसन की इनवॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। ये दोवें ही किहदे पार्ट्स ने, इंटरपरसनल कम्युनिकेशन के पार्ट ने। हुण आपां अंदर देखते हैं, एक बार बिल्कुल डायरैक्ट क्वेश्चन आया होया कि कैड़ी कम्युनिकेशन का लैवल है जिदे जिन्हों डायाडिक कहा जाता। तो डायाडिक कैड़ी कम्युनिकेशन के पार्ट में कहा जाता, इंटरपरसनल कम्युनिकेशन के पार्ट में कहा जाता, जिदे दो परसन की इनवॉल्वमेंट होंदी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हुण डायाडिक ते नॉन डायाडिक दे विच की डिफरेंस है, आपां एक तो देखिए इनवॉल्वमेंट ऑफ परसन ही आ, ये दोवें ही इंटरपरसनल दे पार्ट ने। इंटरपरसनल कम्युनिकेशन वो होंदी है जिदे विच आपां परसनल लैवल दे विच, परसनल लैवल ते कम्युनिकेशन च इनवॉल्व हुंदे आ। तुसीं अपने परसनल इंटरस्ट नूं, तुसीं अपने परसनल गोल्स नूं अचीव करन दे लई, ठीक है,
जो कम्युनिकेशन इनवॉल्व होने हो तो इट मीनस वो कैडी कम्युनिकेशन होगी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगी। फाइन, ठीक है, याद रखियो हूँ आप दो परसन जो आपस टॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो वह कि होगी इंटरपर्सनल होगी। ठीक है, वो परसनल इंटरस्ट के एक दूजे न गलबात कर रहे हैं। कई बार की होंगे जिमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी बनया हुआ जूजिस नैट के कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कि होंगी है। तो स्टूडेंट याद रखियो क्लासरूम जी कम्युनिकेशन होंगी है, ठीक है, वो एक टीचर होंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स होंगे आ, दो तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इनवॉल्व हो गए, ठीक है, बट फिर भी क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने परसनल गोल्स नू अचीव करन दे लई क्लासरूम दे विच बैठते हैं, उन्होंने अपने अपने परसनल गोल्स होंगे कि असी लाइफ कुछ करना, तो परसनल गोल्स नू अचीव करन दे लई बैठते हैं, ता करके वो केड़ी होगी, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होई है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन भी इंटरपर्सनल का पार्ट आ, किदा पार्ट आ, वो नॉन डायडिक का पार्ट आ। ठीक है, आई होप तुहानू अंडरस्टैंड हो गया होएगा ये पॉइंट। ठीक है।